दादा बाबू मैं मानती हूँ कोयल इमेच्योर है पर ट्रस्ट मी एक अच्छी लड़की है और यूजी के लिए एक परफेक्ट मॉम साबित होगी। यस दादा बाबू आई प्रॉमिस मैं एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। प्लीज मुझे बस एक चांस दीजिए। दादा बाबू कोयल बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने युग विजय को कोयल के साथ देखा है, उसे खुश खेलते हुए देखा है और मुझे पता है कि कोयल भी युग विजय से बहुत प्यार करती है। दादा बाबू हमारे लिए, हमारे युग विजय के फ्यूचर के लिए प्लीज कोयल को एक चांस दीजिए ना। दादा बाबू आप ही तो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज ट्रस्ट मी कोयल डीजे और यूजे के लिए परफेक्ट साबित होगी। और आज एक शुभ मुहूर्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अरसे से इस महाजन हाउस में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, कोई खुशियां नहीं आई हैं, सो प्लीज ये सेरेमनी मत रोकिए। ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है कि कोयल अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा लेगी तो मैं शुभ काम में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये रस्म पूरी की जाए। जी बिल्कुल। हाँ हाँ कहीं नहीं। दोनों कितने अच्छे लग रहे ना टुगेदर। हाँ एकदम राम मिलाई जोड़ी, आज तो नजर उतारी की पड़ी। थैंक गॉड रूही इज आउट ऑफ आवर लाइव्स। किसी भी एंगल से मेरे बेटे डीजे के साथ तो बिल्कुल सूट नहीं करती थी, पर हमारी फैमिली और महाजन्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। गॉन फॉर गुड, परफेक्ट। मैम ये प्लान भी फेल हो गया, क्या करेंगे अब? ऑनेस्टली रोज मैं हमारे प्लान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मुझे मुल्तानी अंकल की कही हुई बात याद आ रही है। युविका ये दिग्विजय और कोयल की शादी एक्चुअली एक बिजनेस अलायंस है सृष्टि और दिग्विजय के बीच, और ये उस स्पोर्ट से जुड़े हैं जो तुम महाजन्स के साथ मिलकर बना रही हो। ये शादी और ये अलायंस हुआ तो इसका असर तुम पर भी होगा और वो बुरा ही होगा। मम्मी I'm sorry बेटा, इस बार मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। मम्मी आपसे जितना हो सकता था आपने किया, और आप सॉरी मत बोलो।
मैं सच कहूं, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारा प्लान वर्क कर जाएगा, लेकिन वो सृष्टि जी, वो इतनी चालाक है ना, उन्होंने वो एक मौका देने की बात करके ना पूरा गेम ही बदल दिया। ऐसे में आप क्या ये करते? युविका मेरे साथ आओ। वहां देखो, सारे विलन्स एक साथ हैं। शैतानों के चेहरे देखो, शैतानों की पूरी टोली है ये। लेकिन युविका एक बात ध्यान से देखो, उन सब के बीच एकता है। सिचुएशन कोई भी हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके लड़ते हैं। ये है डीजे की ताकत। अगर तुम्हें डीजे को हराना है ना, तो इस टोली को तोड़ना होगा तुम्हें, डीजे की इस ताकत को कमजोर करना होगा। You're absolutely right, Mr. Mahajan. Sure, दादा बाबू। आप दोनों अपने प्री प्रेजेंटेशंस अलग अलग तैयार कीजिए, उसके बाद हम आप लोगों की प्रेजेंटेशन मिस्टर बेग के सामने रखेंगे। पारन मी मिस्टर महाजन, लेकिन दो दो प्रेजेंटेशंस क्यों? क्योंकि आप दोनों अलग अलग तजुर्बे लेकर आते हैं, आप दोनों की एक्सपर्टीज अलग अलग है, आप दोनों के दृष्टिकोण अलग है, और आप दोनों इस प्रोजेक्ट को अपने नजरिए से देखते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप दोनों को सही या गलत या कम आंकना नहीं चाहता, मैं तो आप दोनों की ताकत को, आप दोनों के प्लस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाना चाहता हूं। आप दोनों की खूबियों को जानने का मुझे इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, और इस तरह मिस्टर बेख का भरोसा हम पर कायम रहेगा। तो जाइए, आप दोनों अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। श्योर मिस्टर महाजन। थैंक यू दादा बाबू, इसी मौके की तो तलाश थी मुझे, अब इस मौके का इस्तेमाल मैं गार्गी ताई जी को तोड़ने में करूंगी। Finally, after a lot of preparation and hard work, our presentation is done. I'm sure इस बार मिस्टर बेग को हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आएगी। डीजे, what happened? This presentation is not going to work, Koel. मुझे युक्ति की प्रेजेंटेशन देखनी है। But why? Because दादा बाबू ने मुझे और युक्ति हम दोनों को उस पोर्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा है। It's an open challenge between me and that Yukti Multani. And you know me, Koel. मुझे हारना पसंद नहीं, और उस Yukti Multani से? Never. Of course, teacher. तुम उस Yukti Multani से नहीं हारोगे. पर वैसे भी हमने हर टॉपिक अपनी प्रेजेंटेशन में कवर कर ही लिया है. Our presentation is good. Don't worry. Okay? मेरे बेबी को युक्ति मुल्तानी की प्रेजेंटेशन चाहिए, राइट? आई गेट इट फॉर यू। यस। तुमने अभी कोयल वर्मा की काबिलियत आजमाई कहाँ है डीजे? तुम अपनी ब्लैक कॉफी पीते रहो, आई विल जस्ट कम। और तब तक अपना ये ग्रंपी फेस प्लीज चेंज इट, आई डोंट लाइक इट। दिस स्माइल, या दैट्स माय बेबी, आई लव यू। आई लव यू। आई विल जस्ट कम। Koel, come in. Hello, Miss Multani. Hi.
प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है ना? पीजे ने फाइल भेजी है, प्रोजेक्ट्स के कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। आफ्टर ऑल जैसा कि दादा बाबू ने कहा है कि आप दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली मिस्टर बेक को पसंद आनी चाहिए, और फिर प्रोजेक्ट की भलाई भी तो इसी में है। मैं शो आई चेक इट आउट। या What happened? It's bleeding. Yeah, but मैं भी इतनी careless कैसे हो सकती हूँ? मुझे table ही नहीं दिखाई दिया ये. Oh God. That's okay. मैं first aid लेके आती हूँ. No. Miss Multani. आप pantry से हल्दी ला सकती हैं. वो मम्मी जी के चक्कर में मैं भी ये देसी इलाज में believe करने लगी हूँ. So please. I'm so sorry, Miss Multani. मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? मैं खुद ले लूँगी. Oh no, Koyal. Please, you wait here. अगर तुम चलोगी तो it'll bleed more. And yeah, you're right. हल्दी से blood flow रुकेगा और antiseptic भी है. मैं हल्दी लेके आती हूँ. Please. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.